नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिला पुलिस ने मथुरापुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत पिकअप चालक व उप चालक के साथ मारपीट कर ठगी व लूटपाट करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर मामले का सफल उद्भेदन कर दिया। गिरफ्तार बदमाश के पास से लूटे गए रुपयों में से 85,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाश को आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र निवासी 40 वर्षीय कन्हैया उपाध्याय के रूप में की गई है। उक्त जानकारी जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने दिया। बुधवार 31 मई को एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बीते दिनों 19 मई को मथुरापुर ओपी क्षेत्र में अपने आप को पुलिस पदाधिकारी बताकर उक्त बदमाश ने एक पिकअप चालक व उप चालक से जबरन मारपीट कर 89,000 रुपये लूट लिए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद गठित टीम ने इस घटना का अनुसंधान तत्काल शुरू कर दिया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज से मिले तस्वीर के आधार पर बदमाश की पहचान करनी शुरू कर दी गई। बदमाश की पहचान होते ही जिला पुलिस टीम ने उसे गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कप्तान ने यह भी बताया कि इस कांड के शीघ्र उद्भेदन के लिए मथुरापुर ओपी अध्यक्ष मोहम्मद खुशबुद्दीन व पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। 19 मई को मथुरापुर ओपी के क्षेत्र में एक खबर सामने आई थी कि जो है पिकअप चालक था और उसके साथ एक और व्यक्ति था, उप चालक, दोनों लोग जा रहे थे और उनसे किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस पदाधिकारी अपने आप को बताते हुए 89,000 रुपये की लूट कर ली गई थी। घटना दर्ज होने के बाद फिर FIR की गई। FIR के बाद उसका अनुसंधान किया गया तो अनुसंधान के क्रम में स्पष्ट हुआ कि इसमें एक ही व्यक्ति शामिल है जो कि मुक्तापुर गुमटी के पास किसी मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट लेता है। लिफ्ट लेकर के उस मोटरसाइकिल वाले को बोलता है कि सामने जो पिकअप जा रही है इसमें कोई मेरा सहयोगी बैठा है, इसको ओवरटेक करना है, और मोटरसाइकिल से ओवरटेक करके उस पिकअप को रुकवाता है। पिकअप को रुकवाने के बाद पिकअप में बैठ जाता है, पिकअप से भी लिफ्ट ले लेता है और फिर उस चालक को अपने आप को पुलिस पदाधिकारी बताते हुए नगर थाना का बोलता है कि आपको नगर थाना ले चलेंगे और फाइन दर्ज होगा और आपको जेल भेजेंगे, और जो पुलिसिया अंदाज होता है उस अंदाज में बात करता है और उस चालक को फिर गाड़ी रुकवा कर उस चालक को पीछे की ओर बोलता है कि 1 किलोमीटर दौड़ जाओ। उस चालक बहुत ही सीधा व्यक्ति था तो वो पीछे की ओर दौड़ने भी चला गया और उप चालक, इसको पता चल जाता है कि उप चालक के पास पैसा है, जो उप चालक है उसको बुला करके उप चालक से बोलता है कि अगर आप नहीं पैसा देंगे तो आपको हाथ भी चलाता है, उसको मारपीट भी करता है और उसको धमकी देता है कि नगर थाना में ले जाकर आप पर फाइन करेंगे। तो पहली नज़र में ही ये ठगी प्लस लूट का ही मामला सामने आया था तो हम लोगों ने अनुसंधान किया, CCTV का अनुसंधान किया मथुरापुर SHO ने और सब इंस्पेक्टर मुकेश DIU ने, और लोगों को पता चला कि ये गोपालगंज स्थित अपराधी है कन्हैया उपाध्याय, जो पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कर चुका है। तो टेक्निकल अनुसंधान और CCTV से इसके चेहरे की पहचान हुई। CCTV से जो इसका चेहरा आया था उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया सेल पर भी और आप लोगों को भी दिया था। उसके माध्यम से कई लोगों के द्वारा, अन्य जिलों के द्वारा इनको पता चला कि कन्हैया उपाध्याय नाम का अपराधी जो ऐसी घटनाएं करता है। पहचान होने के बाद कन्हैया उपाध्याय की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना हुई और कन्हैया उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया। इसने 89,000 रुपये की लूट की थी जिसमें से 85,000 रुपये बरामद हो गए और गाड़ी की चाबी भी मिल गई। इस गिरफ्तार अभियुक्त नाम कन्हैया उपाध्याय, ये पहले से भी पटना और वैशाली से भी, ये बड़े शहरों में से घटना करता है, पटना में भी जाता तो राह चलते किसी व्यक्ति को अपने आप को पुलिस पदाधिकारी का रौब झाड़ते हुए 2-4 थप्पड़ लगाता था जिससे कि सामने वाला समझने लगता है कि पुलिस नहीं है ये, और पुलिस का रौब दिखाते हुए उसको थाना ले जाने की धमकी देता था और अक्सर थाना के आसपास ही घटना करता था। ये घटना इससे भी थाना से बहुत दूर नहीं था इसलिए चालक को भी कन्विंस हो गया कि बहुत जल्दी ये थाना हमको लेकर चला जाएगा। तो पुलिस से और थाने से बचने के लिए और इसकी मारपीट से बचने के लिए पब्लिक पैसा भी दे देती है तो पैसा उसने दे दिया था, तो जो 89,000 रुपये दिया था वो बरामद कर लिया गया है। और इसका जो CCTV का रूट है वो पूरा रूट भी हम लोगों को पता चल गया है। अब एक अनुसंधान करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में SHO मथुरापुर और सब इंस्पेक्टर मुकेश का बहुत अहम रोल रहा है, इन लोगों को